इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एंट्री और मैं आपके साथ राधा के अपडेट की बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। जी हां, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और कर्मचारियों का स्थानांतरण ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें डाटा फीड कर दिया गया है ताकि किसी भी कर्मचारी को तबादले में दिक्कत ना हो। दरअसल हाल ही में कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति 2022 को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद से ही तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 30 जून तक प्रदेश के कर्मचारियों को स्थानांतरण दिया जाएगा। खास बात यह है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें सालों से एक मंडल और जिले में जमे डॉक्टरों व कर्मचारियों का सारा डाटा फिट किया गया है और तबादला नीति 2022-2023 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एंट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।